किसानों की उपज का भुगतान समय नहीं होने को लेकर किसानों ने एक बार फिर मंडी के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आड़ी खड़ी कर ली और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसान सड़क पर बैठ गए, वहीं लोगों को जाने भी नहीं दिया। किसानों की मांग थी कि आए दिन व्यापारी किसानों की उपज को लेकर बिना भुगतान किए भग रहा है। किसानों ने जब मंडी गेट पर बोर्ड लगा देखा कि आज मंडी की छुट्टी है और अंदर जाना सख्त मना है आज्ञा से सचिव, इसको लेकर किसानों ने कहा कि हम इतनी दूर से धूप में अपनी उपज को लेकर आते हैं और यहाँ मंडी व्यापारी हड़ताल कर देते हैं। किसानों ने सुबह 10 बजे करीब चक्का जाम कर प्रशासन को सूचना मिलते ही SDM जीवन रंजक मौके पर पहुंचे। किसानों को एक बार फिर आश्वासन देने के बाद 12 बजे से मंडी चालू करने को लेकर व्यापारियों से बात की, जिसके बाद 12 बजे मंडी चालू होने के बाद कही किसानों की मांग थी कि उन पर लोगों का व्यापारियों पर भरोसा नहीं रहा। आए दिन व्यापारी किसान उपज खरीदने के बाद भाग रहा है, जिस पर SDM ने आश्वासन दिया कि किसानों का एक एक रुपया दिया जाएगा। नगद भुगतान को व्यापारी इनकम टैक्स की दिक्कत का हवाला दे रहे हैं, जिसको लेकर SDM ने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी से बात कर इसका हल निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान माने और चक्का जाम खत्म किया। तो सर आए दिन व्यापारी भाग रहा है, आज रात को भग गया एक और व्यापारी, इसीलिए तो मंडी बंद कर रहे हैं। और बिन पेमेंट के माल बाहर जा रहे हैं, मंडी से मिल रहे हैं ना, मंडी में मिल रहे हैं, लोग दो से गए कि नहीं, तीन दिन के लिए बंद रहे मंडी में, क्या कर आगे जान लो गेला नोट पर छापेगा। ये तो है सर, एक सही आवाज देना और बिना 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 बताए मंडी बंद हो जाएगी। लोग आ दे रहे नगर, वो बोल रहे हैं तो सर हम कब तक किसान ऐसे कब तक तो आप बात करिए ना उस इनकम टैक्स ऑफिसर से, आप कब बात करेंगे बड़े बड़े अधिकारी, अगर आप बात नहीं करते तो ये जो निर्णय है देश स्तर पर होगा।
पर अगर आप लोग को अपनी आचार संहिता में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा पहली बार पहली बात अगर पहली बार आपकी कोई भी आज बात नहीं कर सकता आपसे, बल्कि आप लोग कोई है ही नहीं, आपका कोई है ही नहीं बात कर रहा है, आप कहां से बात कर रहे हो, सर नहीं कहते उसमें तो मिलना पड़ा है सर, आपको कहेंगे मैं क्या, आप हमारी बात नहीं सुनोगे, आप हमारे लिए सुनी, आप हमारे लिए किसानों सर किसानों का आप मुझे जानते हैं सर 11 बजे में देर नहीं सर 11 बजने वाली है सर 11 बजे नहीं आए क्या हंगामा था मंडी में। अभी मंडी खुलने में थोड़ा लेट हो गया, तो कल उनके डिप्टी सेक्रेटरी आए थे मंडी के, तो वो कुछ इशू बता गए थे, तो व्यापारी साहब उनसे मिलने के लिए उज्जैन गए हुए थे, तो एक घंटे मंडी चालू हो जाएगी, हमने उनको बोल दिया है ये सर। ये इस माह में लगातार तीसरी और चौथी बार हुआ है इस प्रकार का, कुछ पैसे को लेकर इशू है व्यापारियों में और किसानों में, किसान चाहते हैं कि नगद भुगतान हो, व्यापारी बोलते हैं इनकम टैक्स का कुछ इशू है, तो उन्होंने कुछ सर्कुलर बताया इनकम टैक्स का, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे व्यापारियों से भी इनकम टैक्स के अधिकारियों से भी कि भाई उनको नगद जो अगर इस सर्कुलर के हिसाब से नगद दिया जा सकता है तो नगद भुगतान करें उस संबंध में। चौथी घटना हो गई लगातार नहीं चौथी घटना नहीं, वो तो चक्का जाम हुआ है, व्यापारी का जो पैसा है वो तो उपलब्ध कराएंगे उनको, उनका जो माल है उसको बेचा है, कुछ का प्रॉपर्टी है उसको हम खोल कर नीलाम कर रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है, हम पैसा एक एक किसान का पैसा लौटाएंगे। इस समय हमारी MD साहब से ही बात हुई है भोपाल में, किसी किसान के पैसे को भूल लेके बचा ऐसा होने नहीं देंगे, एक किसान का पैसा हम लौटाएंगे किसी भी स्थिति में। सर ये कल 4 अधिकारी और कुछ कर्मचारी निलंबित हुए। हाँ मुझे पता चला चूंकि अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, कल उनके DS साहब आए थे वहाँ से उज्जैन से, तो कुछ लोगों ने अनियमितता के कारण 4 लोगों को सस्पेंड उन्होंने किया। कहना भी सही है कि उनको मालूम नहीं पड़ता है कि मंडी बंद करते हुए यहाँ पेट्रोल जला के डीजल जला के आते हैं, मंडी खुलने में थोड़ा 2 घंटे लेट हो गई, मंडी बंद नहीं है, मंडी चालू है, मंडी चालू होगी। चलो सर भैया बताइए आज चक्का जाम करा किस वजह में? 2 महीने में 3 व्यापारी भग गए, रात को व्यापारी भगा, किसानों को सूचना नहीं दी गई, किसान ट्रैक्टर लेके अंदर खड़े या तो गेट से उनको बंद कर देना सुबह 6 बजे से कि भैया आज मंडी की छुट्टी है, अब किसान अंदर भूखे प्यासे खड़े हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि हम आज मंडी बंद रखेंगे, कल छुट्टी है, 23 के दिन चुनाव का परिणाम आएगा तो किसान ये ट्रैक्टर लेके जाएगा, उनका बिल टाइम पे नहीं मिलता, किसी को अस्पताल में पैसे की जरूरत है, किसी को नगद भी नहीं दिया जा रहा है, किसी को कहीं वही खाद में जरूरत है, किसान बिल्कुल परेशान हो चुका है, 2-3 महीने हो गए इस मंडी को, क्या ऐसी मंडी चलाएंगे क्या देवा समिति वाले? हमको नगद कैसे चाहिए यहाँ पे, 200 मंडी में नगद चाहिए, 50 मंडी में क्या अलग से नियम कानून लाएंगे क्या कलेक्टर साहब, क्या अलग से कानून नियम लाएंगे, ना भाव मिलता है 500 रुपए घटा देंगे गेहूँ पे, आज ही ऐसा झगड़ा होगा फिर दोपहर बाद नीलामी चालू होगी तो 500 रुपए कम में बिकेगा गेहूँ। सुनवाणी महाकाल त्रिपुरा से, आपका नाम बता दो भैया? संजय चौधरी। BNP थाना अंतर्गत ग्राम सियासा में 2 बच्चों के विवाद पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के साथ विवाद हो गया, विवाद के दौरान दोनों ओर से जमकर हथियार चले, इसी दौरान एक युवक को धारदार हथियार के साथ हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, इधर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, वहीं घायलों को उपचार के लिए भर्ती किया। इधर सूचना मिलने पर SP चंद्रशेखर सोलंकी भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। BNP पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।
वहीं तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीन आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के बाद हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। जो से मुझे 20 दिन से सोया क्या हूँ, वो सोता ही नहीं है, उसको सपने में यही दिखता है कि आज क्या मनाना है। मामला है जिसका गांव सिया, जिसमें दो पक्षों में लड़ाई हुई। उसमें एक सबरुद्दीन जो है उसकी तलवार से और लाठियों से हमला करने से उसकी मृत्यु हो गई है और इसमें तीन लोग घायल हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तीन आरोपियों को पुलिस ने सिया ग्राम से अरेस्ट कर लिया। सर, जो युवा दवा इसमें एक ही समुदाय के लोग हैं ना? हाँ, इसमें दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और ये विवाद ऐसा पता चला है कि बच्चों के बीच विवाद हुआ था। बाद में ये विवाद बढ़कर इसमें बड़े लोग शामिल हुए दोनों पक्षों के और इस तरह से ये एक हत्या का मामला प्रकाश में आया। तो प्राथमिक दृष्टा क्या पाया आपने? जी, प्राथमिक दृष्टा क्या पाया आपने? नहीं, इसमें चूँकि बच्चों की आपस की लड़ाई थी और इसमें एक बार लड़ाई होकर मामला शांति भी हो गया था, पर शाम को जब ये दोनों पक्ष नमाज के बाद लौट रहे थे फिर इनमें इस बात को लेकर कहा सुनी हुई और उसी बात से ये हत्या कार्य करना पाया गया है। हाँ, तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पुलिस बल पहुँच गया है और अभी शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है। अभी मामूली सी बात पे विवाद हुआ, सिर्फ बात कर रहे थे और आपसी में दोनों पक्ष में विवाद हुआ। कौन से पक्ष थे, किससे बात कर रहे थे, क्या हुआ? रईस बैंक के लड़के थे। हाँ। क्या नाम थे? एक का नाम अरबाज, एक का रियाज और एक का जावेद नाम था। और एक भादर बैंक के लड़के थे जिसका नाम जफर बैंक था। और आपसी विवाद करा, इन्हें समझाया, तो समझा के हमने पहुँचाया कि विवाद मत करो, रमज़ान का महीना है और इस तरह की बात अपन आपसी में बैठे करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। और ये जानने लगे जब वो सरकू भाई जिनकी मृत्यु हुई है, ये जब वहाँ से निकलने लगे तो रईस बैग के जो सबसे छोटा वाला लड़का है उनने पीछे से उनके ऊपर वार कर दिया। कैसे वार? एक उनके हाथ में गुत्थी थी, एक भाई के हाथ में सरिया, एक के हाथ में तलवार थी। जब उन्हें तलवार का भी घाव लगा हुआ है कंधे पे, गुत्थी का वहाँ पे, और यहाँ पे दो जगह गुत्थी का घाव लगा हुआ है और एक जगह पीछे लगी हुई है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। करीब घायल कितने लोग? करीब 8:15 बजे घटना है। घायल कितने लोग हैं? घायल लोग हैं तीन चार, एक उनका भाई है जिसका नाम सद्दामुद्दीन है उर्फ कालू भाई, दोनों साइड से वो भी घायल हैं, जिनके सर में चोट आई है, हाथ वगैरह में चोट आई है। आप मृतक के क्या हो? मैं उनका चचेरा भाई लगता हूँ। किस बात का? अफजल पठाना। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद केवल मामूली सी बात, ऐसे ही आपसी में खड़े हुए थे और एक मजाक मस्ती में ये विवाद की घटना बन गई। और सिर्फ मजाक मस्ती में थे और उन दोनों भाई ने गुस्से में आके और इनके ऊपर हमला कर दिया। ये अकेले थे, निहत्ते थे, इसलिए पीछे से इनके ऊपर वार करा। क्या नाम है दोनों भाई का? इनका नाम है, जिनकी मृत्यु हुई इनका सरकूद्दीन नाम है और जो इनके भाई है उनका नाम सद्दामुद्दीन है, उर्फ कालू भाई के नाम से उनको जाना। जिन्होंने मारा उनका नाम क्या है? जिन्होंने मारा उनका नाम जावेद है
रियाज है, अरबाज है और जफर है। यहाँ के रहने वाले? ये सीए के ही रहने वाले हैं। ये 8:15 की घटना। करीब चार लोगों ने एकमत होके और निहत्ते आदमी के ऊपर इन्होंने वार करा और इस घटना को अंजाम दिया। क्या मामला पूरा? मेरे पास जब लाया गया तो हल्का सा पल्स आ रहा था पेशेंट का, पर जब मैंने इसी उसको कोशिश करा पर सर्वाइव नहीं कर पाया पेशेंट। 15-20 मिनट मैंने CPR किया पेशेंट का, पर पेशेंट नहीं बच पाया। कुछ प्राणघातक हमला हुआ था किसी के द्वारा, मुझे वास्तविक घटना तो पता नहीं था। मेरे पास पेशेंट को लाया गया। सर पेशेंट की उम्र तकरीबन कितनी होगी? उम्र 35। क्या नाम है पेशेंट का? शरबुद्दीन पिता शमशेर। कितने बजे लाए थे सर? बस लाए थे 9:10 का। सर अन्य भी घायल थे उनके साथ? घायल आए थे, उनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें थाने में एमएलसी के लिए भिजवा दिया गया। ठीक सर।